गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणि पद्मे हम ओम साई राम। सो मैं आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक पिका कार्ड रीडिंग लेकर। और ये पिका कार्ड रीडिंग है कि जिनके साथ आप शादी करना चाहते हैं उनके साथ शादी करने के बाद आप खुश रहोगे या बहुत खुश रहोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर तीन पाइल्स मैंने रखे हुए हैं हमेशा की तरह, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। ये है पाइल नंबर 1, डोर टू स्पिरिट। ये है पाइल नंबर 2, अरे भैया उठ जाओ, एक्शन। और ये है पाइल नंबर 3, हैप्पी फैमिली। तो आपको जो वाला कार्ड सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो वही आप चूज़ कर लीजिए और फिर आपकी रीडिंग करते हैं। और उनके लिए जो सिलेक्ट करने में जिनको दिक्कत होती है ना, तो उनके लिए मैं कहूँगी, हमेशा कहती हूँ कि आप तीनों पाइल देख लिया करो और जहाँ से भी आपको लगे कि ये वाला पाइल रेजोनेट कर रहा है उससे जो भी मैसेज आपको मिल रहा है उससे ले लिया कीजिए और बस, ठीक है ना। तो आप वीडियो पॉज कर लेना, आप देख लेना और मैं पाइल 1 से शुरू करूँगी रीडिंग। तो इनको मैं साइड में रख रही हूँ और यहाँ से करेंगे हम अपनी रीडिंग शुरू। तो जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया है, डोर टू स्पिरिट, ठीक है, देख लेते हैं आपके पार्टनर के साथ में आपकी लाइफ कैसी गुजरने वाली है। पहला कार्ड है द चैरियट, दूसरा है द हाई प्राइस्टेस, ओके, तीसरा है द फूल। नाइट ऑफ कप्स और स्ट्रेंथ एंड द हेरोफेंट एंड ऑल टाइड अप, ओके। तो ये कार्ड जिन लोगों का है ना, ये पाइल जिन लोगों का है ना, मैं क्या करूँगी, पहले मैं बताऊँगी कि आपके हस्बैंड का नेचर कैसा होगा, ठीक है, और यानी कि जिस पार्टनर के बारे में आप सोच रहे हो उस वक्त, तो मैं बताऊँगी कि वो कैसा है। तो अगर ये रेजोनेट आपसे हो जाता है तो समझ लीजिए ये आपके लिए ही है, और अगर रेजोनेट नहीं होता है तो आप दूसरा पाइल देख लेना, अदरवाइज आप कोई और वीडियो भी देख सकते हो, ओके। तो ये जो जिन्होंने भी ये वाला पाइल चूज़ किया है, आपको इंट्यूशन तो आ ही जाती होगी ना कि भाई ये बंदा है शादी के बाद कैसे करेगा। तो इनका ये है नेचर कि अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा सजग है, मतलब अपने काम को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, प्यार को भी देते हैं, लेकिन थोड़े केयर फ्री हैं। मतलब इनका क्या है, ज़्यादा कुछ एक्सप्रेस नहीं करते। इनका ये है अपने मन से ही आप सोच लो दैट आई लव यू, ये ऐसा करेंगे, बाद में भी करेंगे, ठीक है। ये आपको ये लगेगा कि अपने काम पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, आप पर कम कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो आपसे प्यार करेंगे और बेइंतहा करेंगे, लेकिन उनका ये रहेगा कि वो खुलकर इतना बताएंगे नहीं आपको। आप आपको देखने में ये लगेगा कि इनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं कुछ भी करती रहूँ इनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन बात ये, फ़र्क तो उन्हें खूब पड़ेगा, फ़र्क तो उन्हें अच्छे से पड़ेगा। वो आपको अपना सोलमेट मानेंगे, ठीक है ना, उनको लगेगा कि आप उनके सोलमेट हो, और आपके अलावा वो किसी और को देखेंगे भी नहीं। लेकिन आपको देखने भर से उनकी जो एक्टिविटीज़ होंगी ना, उनसे आपको ऐसे लगेगा कि ये बिल्कुल केयर फ्री है, इनको कोई असर नहीं होता, ठीक है ना। कभी खुलकर आपके सामने ऐसे कहेंगे दैट आई लव यू या रोमांटिक होना जिसे कहते हैं, तो वो इतना ज़्यादा वो नहीं करेंगे, काम की तरफ उनका रुझान थोड़ा ज़्यादा रहेगा। आप कैसे हो, आप ऐसे हो कि आप बड़े आपको बड़ा रोमांटिक होना अच्छा लगता है, ठीक है, अपने प्यार को दिखाना बताना अच्छा लगता है, एक्शन लेने में हमेशा आप आगे रहते हैं, और आपको सीरियस रहना अच्छा लगता है। आपका क्या है कि जब बात अगर इस पर आ जाती है, लव एंड रिलेशनशिप पर, सपोज़ जैसे कभी आपको आपका मन किया बैठकर बातें करने का और आप बड़े ही गंभीरता से इनसे बातें कर रहे हैं, ठीक है, अपने रिलेशनशिप के बारे में, मैरिज के बारे में, कि हमारी कब शादी हुई थी, हमारा जो एनिवर्सरी है कब आएगा, ये सारी चीज़ें आप बड़े ही ध्यान से इनके साथ बात कर रहे होंगे, और वैसे ही इनका क्या होगा, ये कोई हल्का सा मजाक कर देंगे, ठीक है, तो आपको बड़ा गुस्सा आएगा कि हद है, मैं इतने सीरियस होकर बात कर रही हूँ और देखो इनका नेचर कैसा है, ये हर बात में मुझे छेड़ते हैं, हर बात में मुझे तंग कर देते हैं, इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हो सकता है कि इनका ये भी हो कि ये अपनी मैरिज एनिवर्सरी भी भूल जाए, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें भी इनके साथ होंगी ये, और या तो भूल जाएंगे या फिर आपको ऐसे शो करेंगे कि भूल गए, ठीक है। तो ऐसा थोड़ा इनका नेचर है, ये थोड़े केयर फ्री हैं, इनका ये है थोड़े केयर फ्री हैं, ऐसा नहीं है प्यार नहीं करते, लेकिन थोड़े केयर फ्री हैं। मतलब इनको ये है कि चीज़ों को, जैसे आप कभी इनसे बात करोगे ना तो ये कहेंगे अरे चिल रहो, इतना क्या टेंशन लेना, ऑलराइट। और आप थोड़े अलग स्वभाव के हो,
आप ऐसे हो कि आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेते हो, आप बहुत स्पिरिचुअल भी हो, स्पिरिचुअल ये भी हैं, लेकिन आप कुछ अलग ही, मतलब आपका लेवल कुछ अलग ही है, आप इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल हो। इनका क्या है कि ईश्वर में मानते हैं, लेकिन इनका ये है कि ये थोड़ी ना कि मंदिर में बैठ के हमेशा आरती उतारते रहो। और आपका तो बिल्कुल दूसरा है कि आप बहुत ज़्यादा मानते हो, पूजा पाठ करते हो, फास्टिंग वगैरह करते होगे, मन कर लगता होगा आपका। दूसरा ये कि एक्शन थोड़ा ये कम लेते हैं, अगर लव एंड रिलेशनशिप की बात आए या मैरिज की बात आए तो पता चला जैसे आपका कभी झगड़ा हुआ तो ये गुमसुम होके बैठ जाएंगे, मन इनका करेगा कि बात करने का लेकिन अपनी तरफ से स्टेप्स नहीं लेंगे, आप ये चाहेंगे आप ही एक्शन लो। और आपका ये है कि आप भी हमेशा अपनी तरफ से ही एक्शन लोगे, आप ही जाकर इनको मनाओगे, इनकी केयर करोगे, हालांकि ये भी करेंगे, आपकी फिक्र बहुत ज़्यादा है लेकिन शो नहीं करेंगे, शो करने की आदत नहीं है और आपकी हमेशा ही शो करने की आदत है। और इनका ये है कि जब इनका मन किया तब तो ये बैठ कर पता चला 2-3 घंटे लग कर आपसे बात कर ली, और अगर इनका मन नहीं किया और इनका मन बात करने का नहीं है, इनका मन काम करने का है तो ये काम करने के लिए चल दिए। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो मुझे, और उसके बाद भी मैं आपको बता दूं कि आप लोगों का कनेक्शन कुछ ऐसा होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि सोलमेट कनेक्शन है, सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो आप लोग, ठीक है। तो आप लोगों का ये होगा कि चाहे आप इनसे कितना भी परेशान हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आप लोगों का कनेक्शन टूटने वाला नहीं है। आप चाहकर भी ना, मैं कैमरा थोड़ा ऐसा कर देती हूँ, आप चाहकर भी ना ये कनेक्शन तोड़ नहीं सकते। आपके बीच सब कुछ होगा, प्यार भी होगा, लड़ाई झगड़ा भी होगा, जब लड़ाई झगड़ा होगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आप बहुत धैर्य रखोगे, धैर्य रखते जाओगे फिर एक दिन ऐसा होगा कि आपको गुस्सा आ जाएगा, ऐसा हो सकता है। तो उसके बाद भी आप लोग अलग नहीं हो सकते, ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आप लोग एक दूसरे के साथ ही रहोगे, एक दूसरे के साथ बात करोगे, एक दूसरे के साथ में झगड़ा करोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन अलग नहीं होगा, ठीक है। तो अलग तो हो ही नहीं सकते क्योंकि सोलमेट कनेक्शन है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ठीक है, जो भी है। तो ऐसा है, आप दोनों के साथ में ज़बरदस्त प्यार होगा, झगड़ा भी होगा, लेकिन साथ रहोगे और एक दूसरे के बगैर अच्छा भी नहीं लगेगा। इनका जो बिजनेस है वो कुछ ऐसा हो सकता है कि इन्हें ज़्यादा बाहर आना जाना पड़े, ठीक है, वो चीज़ भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा तकलीफ दे सकती है कि आपके साथ उतना टाइम नहीं है बिता पाते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपको याद नहीं करेंगे। या आप इनके साथ क्या है, जब आप इनसे कहोगे ना कि आपको मेरी याद नहीं आई, या आपने मुझे याद नहीं किया, आपने मुझसे बात नहीं की, फ़ोन कॉल्स नहीं किए जब आप बाहर गए, तो ये आपसे ये कहेंगे कि याद तो मुझे तब आती ना जब मुझे ये लगता कि तुम दूर थी, ठीक है ना, ये कह देंगे कि तुम तो हमेशा मेरे साथ रहती हो, तुम तो मेरी सोलमेट हो। तो इस तरीके की ये बातें करेंगे आपसे, उनकी सोच ऐसी है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन था कि आप इनके साथ खुश रहोगे या नहीं, तो हाँ जी, खुश तो आप रहोगे, लेकिन कभी कभी आप थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे इनके बिहेवियर से, लेकिन ऐसा नहीं है कि खुश नहीं रहोगे, आप खुश रहोगे। आपको क्या होगा ना, आपको थोड़ा इनके अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज होना पड़ेगा, उस वक्त आप अच्छे से खुश रह पाओगे, ये होगा आपके साथ, ओके। सो थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है कि आप ऐसे हो भी कि अगर आपको इनके लिए चेंज होना पड़े ना तो आप पीछे नहीं हटोगे, क्योंकि आप उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। और अगर ऐसा है कि आप लोग कमिटमेंट में नहीं हो और वो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं जिनको भी पता ही नहीं है कि उनकी लाइफ में कौन आने वाला है, किससे शादी होने वाली है, तो उनके लिए भी मैं बता दूं कि आपको इस पर्सन से बहुत ज़्यादा लगाव होने वाला है। पर्सन बड़ा ही सुंदर सा दिखने वाला बंदा है या बंदी है, ठीक है, आपको जैसे रेजोनेट करे आप ले लेना। और आप काफ़ी इनको बहुत ज़्यादा असल में आप प्यार करोगे, लगाव बहुत ज़्यादा होगा, केयर बहुत ज़्यादा आप करोगे, नहीं चाहोगे तब भी करोगे, ऐसा होगा आपके साथ में। और इनका भी प्यार आपके लिए वैसा ही होगा, लेकिन शायद ये उतना दिखा नहीं पाएं, थोड़े से केयर फ्री है, ये चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। जो चीज़ें आप चाहोगे ना, वो चीज़ें समझने में इनको टाइम लगेगा, आपको ना खुलकर बताना होगा कि भाई मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। अगर आप ये एक्सपेक्ट करो कि ये खुद से समझ जाएं तो वो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, तो कुछ ऐसा रहेगा ये कनेक्शन आपका। सो यस, आप खुश रहोगे, लेकिन थोड़ा आपको खुद को बदलना होगा, उसके बाद आप ज़्यादा खुश रह पाओगे। आपको इनके अकॉर्डिंग खुद को ढालना होगा, इनके प्यार को समझना होगा, ठीक है ना। तो ये थी रीडिंग उनके लिए जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया था, डोर टू स्पिरिट। आई होप आपको पसंद आई होगी, अगर आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल, थैंक यू सो मच। और रेजोनेट करिए ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, ओके, टेक केयर, बाय, लव यू, हाय।
तो जिन्होंने ये वाला पहल चूज़ किया था एक्शन, तो देख लेते हैं कि आप जब अपने पार्टनर के साथ शादी कर लेते हैं तो आप कितने खुश रहोगे। ठीक है, सो इसको मैं साइड में रख रही हूँ और देखते हैं आपके कार्ड्स। ओके, फाइव ऑफ वंड्स, टू ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द डेविल, क्वीन ऑफ कप्स एंड स्टॉर्म वार्निंग। ओके, ओके ओके, तो यहाँ पर जो एनर्जी है जो मुझे दिख रही है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके पार्टनर तो आपको बहुत प्यार करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा उनको आपसे प्यार होगा, लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि उनका फोकस थोड़ा काम पर ज़्यादा रहेगा। आप लोग चाहो तो पाइल वन भी देख सकते हो, सकता है वो आपसे रेजोनेट कर जाए, क्योंकि उस जैसा ही है थोड़ा थोड़ा। लेकिन यहाँ पर जो मुझे आपका कनेक्शन लग रहा है बहुत स्ट्रांग लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे जो प्रॉब्लम दिख रही है ना, वो पता है कहाँ से दिख रही है? उनकी तरफ से नहीं, आपकी तरफ से। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर का बिज़नेस बहुत अच्छा होगा, एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, या फिर ठीक, आप जैसे आपको रेजोनेट करे। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे लेते रहिए इसको। काफ़ी लोगों से मिलना जुलना होगा, अगर जॉब करते होंगे तो जॉब में भी काफ़ी लोगों से मिलना जुलना होगा, और इस वजह से कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होगी। मतलब आपको क्या होगा कि उनके नज़रिए से अगर आप सोचो तो वो ये कहेंगे कि इतनी मेहनत मैं करता हूँ तो तुम्हारे लिए, और आपको कहीं ना कहीं ये लगेगा कि इतनी मेहनत, मुझे इतने पैसे नहीं चाहिए, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, आपका साथ चाहिए। लेकिन उनको ये लगेगा कि पैसा बहुत ज़रूरी है, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए पैसा चाहिए, वो उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, आप पर भी करेंगे, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आपको शायद उतना अच्छा ना लगे, आप उतना संतुष्ट ना हो जितना कि आप चाहते हो। मतलब जितना साथ उनका आप चाहते हो ना, शायद आपको ये लगे वो उतना नहीं दे पा रहे आपको। अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश करेंगे, उनकी तरफ से मुझे चीज़ें ठीक लग रही हैं, लेकिन आपकी तरफ से मुझे लग रहा है कि आप ओवर थिंक ज़्यादा करोगे। क्या होगा कि यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है, जो एनर्जी मुझे आ रही है, वो ऐसी आ रही है कि आप शायद उन पर शक करो, वो काम में इतना ज़्यादा बिजी रहेंगे, बहुत से लोगों से मिलेंगे, मतलब मेल एंड फीमेल, उन लोगों से भी उनकी पार्टनरशिप हो सकती है, और उस चीज़ को लेकर आपको डाउट्स रहेंगे, आप ओवरथिंक करोगे और कहीं ना कहीं आप उनके साथ झगड़ा करोगे, वो तो नहीं करेंगे। ठीक है ठीक है, मैं बता दूं कि जो है मुझे दिख रहा है वो बता रही हूं। तो आप दोनों के बीच में छोटे मोटे झगड़े होते रहेंगे, हालांकि मैं देख पा रही हूं ये पर्सन तो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, करेगा भी, आपको बहुत समझाएगा भी, और कहीं ना कहीं आप अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से इस पर्सन को हर्ट करते रहोगे। ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है, क्योंकि आप उनको कई और लोगों के साथ देखोगे और कहीं ना कहीं आपको ये डाउट्स रहेंगे कि ये पर्सन मुझे प्यार करता है या नहीं, ये काम का बहाना बना रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं किसी और के साथ में, यू नो। तो इस तरीके के डाउट्स आपके मन में चलते रहेंगे और ये छोटे मोटे झगड़े होते रहेंगे आप दोनों के बीच में। तो मुझे ये लग रहा है कि आपका क्या है रिलेशनशिप, आप बहुत खुश रह सकते हो, क्योंकि आपका पर्सन आपको सारी खुशियां देने की कोशिश करेगा, आपको प्यार तो करेगा ही करेगा, आपको आपकी सारी विशेष पूरी करने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ आपकी सोच की वजह से आप उतने खुश नहीं रह सकते। अगर आप अपनी सोच बदल देते हो, अगर आप अपने पर्सन पर पूरा पूरा ट्रस्ट करते हो, क्योंकि यहाँ पर देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि ये पर्सन इसकी लाइफ में सिर्फ आप हो गए और कोई नहीं, इनकी क्वीन जो हो सिर्फ आप हो और कोई नहीं, लेकिन आपकी शक की वजह से, आपके शक की वजह से रिलेशनशिप में उतनी खुशियाँ नहीं मुझे दिखाई दे रही हैं जितनी की होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ आप सोचते हो। अगर आपने खुद को चेंज कर लिया तो समझ लीजिए आप को तो बस स्वर्ग मिल गया। ठीक है, इतनी खुशियाँ होंगी, सब कुछ होगा आपके पास, पैसा भी, प्यार भी, इतना अच्छा हस्बैंड जो आपको बहुत आपकी केयर करेगा, आपको सब कुछ ला के देगा जो आप चाहोगे।
लेकिन सिर्फ आपकी सोच की वजह से इश्यूज खड़े होंगे। खुशियाँ तो आपको मिलनी है हर तरफ से, सिर्फ तभी जबकि आप खुद खुश होना चाहो। क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम मुझे उनके साथ नहीं लग रही, यहाँ पर प्रॉब्लम मुझे आपके साथ लग रही है। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, आप अभी भी सोचते होगे, आपकी एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है, बहुत ज़्यादा सोचते हो। और ये इसलिए है क्योंकि आप इनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, इसकी वजह से हो जाता है ऐसा। लेकिन प्यार का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को इतना ज़्यादा बांध कर रखो, ठीक है। आप जितना ज़्यादा किसी को बांधोगे ना, वो उतना ही ज़्यादा आपसे दूर भागेगा। तो उनको फ्री रहने दो। मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर कि आपके मन में हमेशा ये द्वंद्व बना रहेगा कि ये पर्सन सच में काम ही कर रहा है या फिर मुझे चीट कर रहा है, या मुझसे बात नहीं कर रहा है, इसकी वजह सिर्फ पैसा ही है, काम ही है, या कुछ और है, या किसी और के साथ तो नहीं जा रहा है, इसका अफेयर तो नहीं है, ये वो, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलेंगी। और कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप जितना स्वीट होना चाहिए उतना नहीं रह पाएगा सिर्फ आपकी वजह से, ठीक है। तो आप खुद के अंदर थोड़ा सा चेंज लाने की कोशिश करें। अगर आपने चेंज ला दिया ना, तो समझ लीजिए बहुत बहुत अच्छा आपका रिलेशनशिप रहेगा। आपकी शादी के बाद आपको वो सब कुछ मिलेगा जो एक लड़की या एक लड़का चाहता है, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा सा चेंज होने की ज़रूरत है। थोड़ी सी अपनी चेंज को बदल थोड़ी सी अपनी सोच को बदलिए, चेंज को बदलिए बोल रही हूँ मैं, देखो ये होता है, ठीक है ना। तो और तो सब कुछ ठीक है यहाँ पर, मुझे ठीक लग रहा है। लेकिन हाँ, थोड़ा आपको गुस्सा भी आता है तो उसको थोड़ा कंट्रोल करो। यानी कि ओवरऑल मैं वही कहूँगी, थोड़ा अपने बिहेवियर को चेंज करो। अगर आपने अपना व्यवहार थोड़ा बदल लिया तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। लेकिन अगर आपने खुद को चेंज नहीं किया तो 50-50, ठीक है। तो ये था रीडिंग उनका जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया था। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक करिएगा, और रेजोनेट करिए तो मुझे बताइएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, लव यू। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया था, हैप्पी फैमिली पाइल 3, तो देख लेते हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ कैसे रहोगे शादी के बाद, कितना खुश रहोगे, क्या कुछ होगा। चलिए कार्ड्स देखते हैं भाई। नाइट ऑफ सोर्ड्स, हैप्पी फैमिली, अरे वाह, ये भी हैप्पी फैमिली, ये भी हैप्पी फैमिली, एंड 10 ऑफ कप्स है ये, और ये है आपका 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस, मैजिशियन एंड द मिरर। ओके, तो बड़ा ही खूबसूरत है ये पायल। तो जिन्होंने भी ये पाइल 3 चूज़ किया है, आप लोग बहुत लकी हो, बहुत बहुत ज़्यादा लकी हो, ठीक है ना, बहुत लकी हो। ये देखिए कोइंसिडेंस, यहाँ पर भी 10 ऑफ कप्स है और यहाँ पर भी हैप्पी फैमिली का कार्ड था, तो और ये भी फैमिली का ही कार्ड है। तो भाई मैं बता दूँ कि आप लोग शादी के बाद बहुत खुश रहने वाले हो। सबसे पहली चीज़ मैं ये कहूँगी, बहुत खुश रहने वाले हो। नोकझोंक होती रहेगी, लेकिन आप दोनों मतलब नोकझोंक से मेरा मतलब वो नहीं है, नोकझोंक से तो आप समझ गए होगे ना, हंसी मजाक और वो सब, ऐसी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होने वाला आप लोगों के बीच में, कभी भी नहीं होगा। क्योंकि आप लोगों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, लव है, और आप दोनों इतने ज़्यादा मैच्योर हो, एज का यहाँ पर कोई एज मैटर नहीं करती, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि एज बहुत होगी तभी मैच्योर हो, नहीं, आप, मैंने कहा ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होगी। आप दोनों ही अपने कनेक्शन पर बहुत मेहनत करोगे। मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों ही अपना घर भी संभालोगे, और हो सकता है आप दोनों ही किसी ना किसी प्रोफेशन में हो, कोई जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, तो दोनों वो भी उसमें भी काफ़ी पैशनेट होगे, आप लोग उसे भी संभालोगे, और आपके अंदर एक अपने फैमिली के लिए, अपना रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए एक एक तरीके का उत्साह होगा कि हाँ, हमारी ये फैमिली है और हमें वो सब कुछ करना है। मतलब हमें एक जन्म मिला है, ये जो जन्म हमें मिला है, इस जन्म में हमें सारी की सारी खुशियाँ चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आप दोनों हो, आपके छोटे छोटे दो बच्चे हैं, आप यहाँ पर इतनी मेहनत कर रहे हो अपने रिलेशनशिप को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। और ऐसा होगा कि आपके फैमिली में भी काफ़ी सारे लोग होंगे, और आप लोग हमेशा ही उनसे मतलब उनसे आपका जो कनेक्शन है वो टूटेगा नहीं, आप हमेशा ही उनके संपर्क में रहोगे, उनसे बातें करते रहोगे। आपका पर्पस होगा सबको खुश रखना और ख़ुद भी खुश रहना,
ठीक है। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप दोनों ही बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो गए, जो भी काम करते होगे, जो भी बिजनेस करते होगे ना, उसमें बहुत 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 आपको तरक्की होने वाली है और फैमिली तो आपकी अच्छी चलेगी ही चलेगी, बहुत ज़्यादा प्यार होगा। आपका जो हस्बैंड है या वाइफ है आपको बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हैं, लेकिन हाँ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है नोक झोंक होगी ठीक है। कभी आप उनको छेड़ दोगे, कभी वो आपको छेड़ देंगे। मुझे उनकी एनर्जी ज़्यादा लग रही है कि वो बात बात पर कोई ना कोई ऐसा कुछ बोल दिया करेंगे जिससे आप नाराज़ हो जाओ, क्योंकि उनको मज़ा आएगा ठीक है। और आप दोनों ही बहुत ही काबिल हो, आपका कनेक्शन कुछ ऐसा होगा कि आप एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते। आपके लिए फैमिली ही सब कुछ होगी, मतलब आपका क्या है ना कि प्यार हुआ तो मतलब कि शादी करनी है और हमें फैमिली बनानी है, और फैमिली में आपस में वो सारे ही काम करने हैं जो इस लाइफ में आप कर सकते हो, घूमना फिरना लड़ना सब कुछ। तो बहुत ही अच्छी पहल है, मैं क्या बताऊँ, मुझे वर्ड्स ही नहीं आ रहे एक्चुअली मैं बस देख रही हूँ कि सब कुछ है। आप दोनों ना पूरी ताकत लगा दोगे अपने इस कनेक्शन को हमेशा यूं ही बरकरार रखने के लिए और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए। आप लोग मिलकर ना अपनी फैमिली बनाओगे, मिलकर अपना घर सजाओगे और हमेशा मिलकर खाना खाना, मिलकर घूमने जाना, मतलब इंजॉय करोगे बहुत। ऐसा नहीं है कि एक जो पर्सन है वो काम में ज़्यादा लगा है, दूसरा पर्सन है वो उसका वेट कर रहा है, या ऐसा कुछ नहीं होने वाला यहाँ पर। यहाँ पर दोनों, मैंने कहा ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होगी। आप दोनों जैसे अगर काम करते हो ना, दोनों ने साथ साथ ही टाइम निकाला, चलो भाई अब घूमने चलते हैं हॉलीडेज़ के लिए, और अगर घर पर घर सजाने की बात हुई तो चलो दोनों लोगों ने ही टाइम निकाला, चलो आज घर सजाते हैं, या कोई काम करना है तो चलो मिलकर काम करते हैं, ठीक है ना। ऐसी वाली एनर्जी मुझे आ रही है कि दोनों हमेशा साथ रहोगे, हमेशा साथ, और मस्ती मजाक सब कुछ चलेगा, सब कुछ। तो बहुत बहुत खुश, यही जो क्वेश्चन था कि शादी के बाद कैसी जाएगी ज़िंदगी, तो बड़ी ही बढ़िया जाएगी, ऐसी ज़िंदगी जाएगी कि आप लोग ये प्रे करोगे कि नेक्स्ट बर्थ में भी यही पर्सन मुझे मिले, यही पर्सन मुझे मिले और कोई मुझे नहीं चाहिए, ऐसी ही ज़िंदगी चाहिए। ऐसी ज़िंदगी है ना कि मरने से भी डर लगे ये लगेगा कि भाई यहीं स्वर्ग जो है वो यहीं है। तो कुछ इस तरीके की है ये फाइल, और आई एम सो हैप्पी फॉर यू। तो ये था रीडिंग, आप दोनों ही बहुत खुश रहोगे, ठीक है ना। सो अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और रेजोनेट करिए तो मुझे बताइए, सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये फाइल देखने के बाद में ओके, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।